हाय फूडस्टर्स, वेलकम टू मैडम फूडस्टर। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट स्ट्रीट फूड जिसका नाम है पाव भाजी। इसके लिए हमने लिया है एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब गर्म होने लगे इसमें हम डालेंगे कटी हुई गोभी। इसे हम फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। जब गोभी फ्राई हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। चलिए फूडस्टर्स, हमने गोभी तो फ्राई करके रख ली है, अभी और भी वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें डालेंगे हम कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, फिर इसे फ्राई करेंगे। फ्राई होने लगे तब डालेंगे इसमें हल्दी, नमक और अच्छे से मिलाएंगे। फूडस्टर्स, जैसा कि आप जानते हैं पाव भाजी में बहुत सारी वेजीज होती हैं, जितना वेजिटेबल्स होता है उतना ही टेस्टी बनता है, इसलिए हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियंस कटे हुए। इसी को हम अच्छे से मिला के एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। एक तरफ हमें टोमेटो प्यूरी बनानी है, इसलिए हमने मिक्सर जार में दो टोमेटो डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हमें ग्रेवी भी बना के रखनी है। एक तरफ हमने मिक्सर बोल में दो प्याज लिए हैं कटे हुए, इसमें डालेंगे हम दो ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा अदरक, 5 से 6 कलियां लहसुन की, और इसे पेस्ट कर लेंगे। चलिए फूडस्टर, सारी वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी है, अब हमें एक फ्राइंग पैन लेना है। इसमें खूब सारा बटर डालेंगे। बटर जब मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे अपना जो पेस्ट बना के रखे हैं। फूडस्टर्स, फिर इसे फ्राई करेंगे। जब बटर में ये लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च फ्राई होती है तो बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आती है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, फिर इसे अच्छे से मिलाएंगे और फ्राई करेंगे। फूडस्टर्स, इस ग्रेवी को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक बटर विजिबल ना हो जाए। जैसे ही आप देख सकते हैं बटर दिखने लगा है, तब हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। अब पाव भाजी की खुशबू आनी शुरू हो गई है फूडस्टर्स। इस टाइम हम डालेंगे कटा हुआ धनिया। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे फ्राई की हुई गोभी, फ्राई किए हुए और भी वेजिटेबल्स, फिर हम डालेंगे मैश किए हुए पोटैटोज, अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और डालेंगे मटर। भाजी को हमने अच्छे से मिला लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, और फिर इसे ढक के कुक करेंगे। फूडस्टर्स, आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स सारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, भाजी बहुत अच्छी सी दिख रही है। इसे अच्छे से अब मैश करेंगे।
जितना मैश करेंगे उतना ये टेस्टी बनता जाएगा। भाजी ऑलमोस्ट तैयार है फूडस्टर्स। अब हम एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, कटा हुआ धनिया। फ्राई होने लगे तब हम इसमें डालेंगे अपना भाजी। भाजी को सर्व करने के पहले फूडस्टर्स थोड़ा फ्राई कर लें बटर में, मसाले में, तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। भाजी हमारी सर्व होने को ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम पाव सेक लेते हैं। पाव सेकने के लिए हमने बीच में थोड़ी सी जगह कर ली फ्राइंग पैन में। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा बटर। बटर जब मेल्ट होने लगे डालेंगे कटा हुआ धनिया और पाव भाजी मसाला। फिर इसे मिलाने के बाद हम कटी हुई पाव दोनों तरफ रख देंगे। अब इसे अच्छे से बटर लगा के सेकेंगे दोनों तरफ से, तो ये तैयार है एकदम। पाव भाजी बन चुकी है दोस्तों, आ जाओ गर्मा गर्म खाने के लिए। फूडस्टर्स, अगर आपको ये स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी अच्छी लगे तब आप इसे ज़रूर शेयर करें, घर पे ट्राई करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।